महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नया उलटफेर आया हुआ है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक नए सिरे से शायद लिखी जाएगी। लेकिन अभी भी जो राजनीति में हार मानने को तैयार नहीं होते, वो शरद पवार जमीन पर उतरकर लड़ने के लिए तैयार हो रहे। किस तरीके की यह लड़ाई होगी, जिस तरीके से आरोप लगाए गए उनके बहुत ही नजदीकी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, उन्होंने मीटिंग लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए, उसके बाद शरद पवार क्या करने जा रहे हैं, आज से उन्होंने महाराष्ट्र की यात्रा जिसकी घोषणा की थी वो करने जा रहे हैं, और शुरुआत वो करेंगे छगन भुजबल की कॉन्स्टिट्यूएंसी येवला से। हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार इस वक्त मौजूद है। कि सर, आज आप आपकी पहली यात्रा शुरू कर रहे हैं, आपने कराड़ से यात्रा शुरू की थी और अब छगन भुजबल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी पहली सभा होने जा रही है, किस तरीके से आपकी यात्रा होगी, क्या आप लोगों को बताएंगे? मैं तो यहां से निकल रहा हूं, नासिक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। अब येवला एक नासिक डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नासिक डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटी ये है कि नासिक डिस्ट्रिक्ट एक कांग्रेस विचारधारा को समर्थन करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। एक जमाने में वहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का स्टेशन भी हुआ था, और नासिक डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जब चाइना इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के 44 नेता यशवंत राव चव्हाण, उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिफेंस मिनिस्टर के लिए लिया, तब नासिक डिस्ट्रिक्ट ने उनको अनऑफोर्स पार्लियामेंट में भेजा, और इसलिए ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हमारा क्लोज एसोसिएशन इमोशनली है। और एक बार ऐसा ही हुआ कि मेरे नेतृत्व पर हमारी पार्टी लड़ रही थी सब लोगों के खिलाफ, इवन कांग्रेस के खिलाफ, सब नासिक डिस्ट्रिक्ट ने मुझे सभी चीज सुन कर दी थी, और इससे मुझे खुशी होती है कि एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि अच्छा काम करने हमेशा समर्थन देता है। और इसमें ये कहीं तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, कौन से तो क्षेत्र में जाना चाहिए, इसे मैंने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिलेक्शन किया। ये जो क्षेत्र है येवला, यहाँ भुजबल साहब आजकल है, वहां से प्रत्याशी चुनकर आए हुए, मगर भुजबल साहब राजनीति यहाँ नासिक के राजनीति में आने से पहले भी येवला सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के जिसका अध्यक्ष वह था, उन्हें हमें समर्थन येवला के सीट ने दिया है, और इसके एक ट्रेडिशनल हम लोगों को समर्थन देने वाला ये क्षेत्र है। जब भुजबल साहब यहाँ से चुनकर जा नहीं सकते थे, यहाँ इनकी स्थिति फेवरेबल नहीं थी मुंबई में, तब तय किया कि उनको सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ दे सकते हैं, तो सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी येवला है। तो मतलब पार्टी ने उनको येवला कॉन्स्टिट्यूएंसी दी थी, उन्होंने लिए मांगी थी, और पार्टी ने उनको सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी दी, और वहां से वो सुनकर आ गए। आज मैंने शुरुआत इसलिए की कि जब कोई एक समस्या पैदा होती थी पॉलिटिकल राजनीतिक, तब जो क्षेत्र अच्छे क्षेत्र है हमेशा समर्थन देते हैं, इसमें येवला है, इसे हमने येवला से शुरुआत की। आज की स्थिति लेकिन अलग हो गई है सर, आज सबसे ज्यादा आप पर अगर कोई अटैक कर रहा है तो वो छगन भुजबल कर रहे हैं। उस दिन भी उन्होंने अपने भाषण में आपसे आप पर अटैक करने की शुरुआत छगन भुजबल ने की। उनका ये कहना है कि आपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर काम किया है, पार्टी में आपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को दूर दरकिनार कर दिया, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी आपको उन्होंने हटा दिया प्रफुल्ल पटेल और इन लोगों ने मीटिंग करके। अब भुजबल साहब ये कह रहे हैं कि जो आपने बोया है वही आपको उसका सामना करना पड़ रहा है, आपने कई बार जो यू टर्न लिए पॉलिटिक्स में उसकी वजह से ये सारी चीजों का आपको फेस करना पड़ रहा है। ये यू टर्न इसमें कोई दम नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई इश्यूज आते हैं तब डिस्कशन होता है, कलेक्टिव डिस्कशन होता है, और डिस्कशन में अलग अलग व्यूज रखते हैं,
मगर अल्टीमेट फाइनल व्यू कलेक्टिव थिंकिंग होता ही होता है, तो अलग अलग व्यू जब आते हैं, सब किसी ने कुछ व्यू रखा और कलेक्टिव डिसीजन दूसरा हो गया, इसे वो व्यू तो नहीं हो। ये डेमोक्रेसी प्रोसेस है डिसीजन लेने की, और ये हमेशा वही सिस्टम है। मैंने जो कुछ कहते हैं ये लोगों को इतना मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने डिसीजन हो गए ये सब डिसीजन में ये लोग पार्टी थे या नहीं। और इसका एक सिंपल, जैसे आपने कहा कि फैसल पटेल साहब का नाम ले लिया, कि उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, इलीगल है मेरा इलेक्शन, इलीगल है मेरा इलेक्शन। ये तो मीटिंग हो गई दिल्ली में, दिल्ली के मीटिंग में तार चौथा में कई हजार लोग थे, इस सब के सामने से इलेक्शन हो गया, अनअपोज हो गया। उन्होंने कि अच्छा ये खुद जो प्रोपोजल था वो प्रोपोजल रखने में फोकस होते खुद थे। इसके बाद नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने के बाद जो ऑफिस बेयर की बात है उसको अपॉइंट करने का ऑथोराइजेशन उसी अधिवेशन में उसे दे दिया। देने के बाद जिनकी अपॉइंटमेंट हो की गई ये सब अपॉइंटमेंट फखरुल हसन साहब के खत से ये, और इसमें उनका अधिकार थे बाकी लोगों का अपॉइंटमेंट तक जनरल सेक्रेटरी के नाते थे। ये सब जो उन्होंने डिसीजन ले लिए ये क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन से किसने किया? आपने किया, आपको इधर से जीत के हमने ये बात सच है, मगर तब ये कॉन्स्टिट्यूशन थी। आज क्या हो गया, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो गया। जो दिख रहा है उस दिन के भाषण हमने सुने, उसमें उनका ये कहना था कि बीजेपी के साथ आपने तीन बार बातचीत करने की कोशिश की, 2014 में, 2017 में, आपके कहने पर वो बातचीत करने गए और उसके बाद आपने अचानक डिसीजन बदल लिया, उसकी वजह से लॉस ऑफ बहुत अच्छी बातचीत करना। राजनीति में पोलिटिकल इश्यूज पर डिस्कशन होता है, करना भी पड़ता है लोगों के कुछ व्यूज पे, और ये डिस्कशन कई बार हुआ, खाली बीजेपी से के नहीं कांग्रेस के साथ भी कुछ करना चाहिए ऐसे डिस्कशन हुआ। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन क्या है? एक फाइनल डिसीजन उसका कभी हुआ नहीं, कांग्रेस के साथ हुआ, बीजेपी के साथ कभी हुआ नहीं। और तीसरी बात इसमें है कि डिस्कशन करना, और जो पार्टी के खिलाफ हमने चुनाव लड़े आइडियोलॉजिकली हम अलग है, इन लोगों के साथ जाकर इनमें शामिल होना, ये कोई फर्क है या नहीं? ये जो कहते हैं कि हम लोगों ने बातें की, अरे डिस्कशन किया करते ही है, करना ही चाहिए, राजनीति में पोलिटिकल डिस्कशन करके डिसीजन लेने की कोशिश करनी चाहिए, वही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मगर पार्टी की लाइन छोड़कर आप दूसरे पार्टी के साथ उनको समर्थन देते हैं, जो पार्टी जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़े और जीते, और इनसे वो जो कहते हैं ये कहने में कोई दम नहीं। अजित पवार कहते हैं कि अगर आप शिवसेना के साथ कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ क्या गलत है, अगर शिवसेना के साथ जाने के वजह से आपका सेक्युलरिज्म वैसे ही खत्म हो गया है तो बीजेपी के साथ जाने में क्या फर्क बहुत है कि वे शिवसेना के साथ आज ही गया, ऐसी बात नहीं। जब इमरजेंसी थी और तब पूरे देश में इंदिरा गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थी, इनके खिलाफ माहौल था, तब बाला साहब ठाकरे अकेले राजनीतिक दल के नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के ये एक्शन को समर्थन दे दिया। खाली समर्थन नहीं दे दिया, समर्थन तो दे दिया, वे चुनाव आ गया तो इंदिरा जी को मदद करने के लिए बाला साहब ने पूरे स्टेट में एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया इनके खिलाफ, और उनको समर्थन दे दिया। और इनसे शिवसेना की स्थापना जिनके विचारों से जिनके नेतृत्व पर हुई तो बाला साहब ठाकरे ने यह डिसीजन लिया था, और वही आज ऐसी स्थिति आ गई कि कुछ न कुछ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तो कांग्रेस बाला साहब ठाकरे की पार्टी
इंद्र साथी शिवासी और एनसीपी तीनों ने मिलकर कुछ कदम उठाए, प्रोग्राम तय किया इसमें, और बीजेपी के साथ जाने में जमीन आसमान का फर्क है। वो कह रहे हैं कि दोनों में एक ही बात इसलिए है क्योंकि सेक्युलरिज्म तो आपने छोड़ दिया, शिवसेना भी हिंदुत्ववादी पार्टी है, बीजेपी भी हिंदुत्ववादी पार्टी है। होगी होगी, मगर बीजेपी में और शिवसेना में बहुत फर्क है, बहुत ही अंतर है। उनके उनके हिंदुत्ववाद में भी अंतर है, उनके इसमें भी अंतर है। कहीं हिंदुत्ववाद ये सब लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का मामला है, दूसरा कुछ नहीं। दूसरी सर एक बात बहुत अचरज की लगी कि इतने साल के बाद पहली बार अजीत पवार आपके खिलाफ इस तरीके से बोलते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि आप वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अब वो उनके आपके बेटे नहीं है इसके लिए उनको मौका नहीं मिल पाया, उनमें सारी काबिलियत थी लेकिन मौका उनको नहीं मिल गया। क्या ये एक सक्सेशन वॉर की वजह से हुआ है? क्या उनको वो जो कह रहे हैं उसमें उसके बारे में आपको क्या लगता है? तो मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। फजीहार का जो इश्यू है वो फजीहार के बाहर ज्यादा डिस्कस करना मुझे पसंद नहीं, और सिर्फ इतना एक फैक्चुअल सोल्यूशन दिखाना चाहते कि अजीत जी को शुरू में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुछ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली, इसके बाद मिनिस्टर की मिली, और मुझे याद नहीं मगर 3 या 4 बार उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का मौका उनको पार्टी ने दे दिया। वो कहते हैं सोफिया के बारे में ये कंपेरिजन देखिए कि एक को 3 या 4 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक बार मिनिस्टर, और दूसरे को एक भी पोजिशन ऐसी ने दी कि जो ऑफिसियल है। भारत सरकार में मिनिस्टर बनाने का जब मौका इसी को मिला यूपीए की सरकार में, यूपीए इसके पहले, तो इसमें सूर्यकांत पाटिल को मौका दे दिया, जो आपकी सांसद थी नांदेड़ से, सांसद थी, सब सुफिया सांसद थी। दूसरे बार जब मौका मिला एनसीपी को, सब हमारे संगमा वन ऑफ द फाउंडर, इनकी लड़की को मौका दे दिया अगस्ता संगमा, अगस्ता को, सब सुफिया फादर में से थी। इससे एक बात साबित हुई, अच्छी से बात खुद पटेल को मौका दे दिया मगर सुफिया को दिया नहीं। खुद पटेल साहब की बात तो ऐसी है कि उनकी इंट्री गवर्नमेंट में वेन ही लॉस्ट द इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव जब आ रहे थे, चुनाव हारने के बाद उनको मौका दे दिया था। तो इसलिए और ये सभी समय में तब सुफिया नहीं थी, मगर सुफिया बाकी तीनों तरफ में जब थी तब उनको कुछ मौका नहीं दे दिया, बाकी लोगों को मौका दे दिया। तो ये आरोप अचानक क्यों लगा रहे हैं? इस वजह से ये पहली बार देखा जा रहा है कि पवार परिवार के अंदर कोई ओपन आरोप लगा रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि इसमें बीजेपी के साथ जाने की बात है, ये सब जो बन रहा है, जो बोल रहे हैं, ये जो कुछ एक्शन ले रहे हैं, इसका गेम प्लान बीजेपी हेडक्वार्टर से तैयार हुआ है, और वो जैसे कहते हैं वैसे हमारे साथी देते, इससे ज्यादा कोई दूसरी बात नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आपको तो रिटायर हो जाना चाहिए था 83 साल की, आप रुक जाइए अभी, कितनी बार आपको समझाया गया, रिटायर हो ने आपसे बात की, वो आपने कहा, वो सुप्रिया सुले ने उनको कहा कि देखिए वो तो सुनने को तैयार नहीं है, 83 ईयर्स में भी आप इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको रिटायर हो जाना चाहिए बोल रहे हैं। मैं काम कर सकता हूँ, काम करने की उम्मीद है, काम करने की ताकत है, क्योंकि मैंने तय किया था, मैंने तय किया था रिटायर होने का, तो पूरी पार्टी मेरे ऊपर फैसला जारी कर रही है कि आप ये विधायक। अब 2 तारीख की घटना की बात कर रहे हैं, 2 मई की बात कर रहे हैं, ये याद नहीं मुझे, पूरी पार्टी जगह जगह पर डिस्ट्रिक्ट में तहसील में रोने लगे लोग, इतना दबाव मेरे ऊपर ज्यादा कि मत करो, तो मुझे अच्छी अच्छी लोगों का कहना एक्सेप्ट करना पड़ा, और मैंने काम करना शुरू किया। अभी आज मुझे कोई कहता है कि आप रिटायर हो, तो जब पूरी पार्टी कहती है कि आप काम करो,
तो मैं क्यों काम करना शुरू? अब लोगों में जाकर लोगों के जो इश्यूज है वो उठाकर इसमें कोई रास्ता निकलने के लिए कोशिश करना है, कोई गलत काम है ये, कहीं पोजिशन अथॉरिटी होगी फैसला की, मगर ये कोई मिनिस्टर चीफ नहीं है, ये कोई दूसरी ऐसी पोजिशन नहीं है कि जिसे आपको बहुत कुछ अधिकार मिलता है। ये खाली पार्टी की जिम्मेदारी पार्टी संगठन की है, और संगठन में काम करना कोई गलत बात नहीं। आज मुझे मेरा एज वगैरह ये निकलने की क्या आवश्यकता है? अब मेरा एज कितना है और कौन से एज पर मैंने रुकना चाहिए, ये और लोगों ने मुझे कहना, ये जिसे मेरा हो सकता है। लेकिन अब आगे क्या होगा? आप अपोजिशन की यूनिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी की यूनिटी खतरे में है। प्रफुल्ल पटेल उस दिन कह रहे थे कि वो 23 तारीख को मीटिंग में गए तो उन्हें हंसी आई जिस तरीके से लोग आपस में लड़ रहे थे। क्या अभी भी ये अपोजिशन यूनिटी पॉसिबल है जिस तरीके से? हमारी तो कोशिश ये है कि मिलकर काम करने की, आज देश को अल्टरनेटिव देने की। अब जो कोई भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है उनको उखाड़ के दूर करने के लिए प्रयास करेगी। राजनीति में 100% सक्सेस होती है, ऐसी नहीं कोई जीतता है कोई हारता है। जो हारता है उसके कोई आइडियोलॉजी हो प्रोग्राम है, हारे से छोड़ नहीं सकते, कंटिन्यू करना चाहते। और हम मिलकर काम करेंगे। अभी हम 17 या 18 तारीख को बंगलुरु नहीं रहे, वहां हम फिर डिस्कस करके आगे की नीति तय करेंगे। जब 15 पार्टी के लोग इकट्ठा जमते हैं और कोई इश्यू का डिस्कशन होता है, सभी लोगों की राय एक नहीं होती, कुछ न कुछ अलग भी राय होती है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अलग राय एक्सप्रेस करना और इससे आगे जाना जाने की कोशिश करना, इसकी आवश्यकता होती है। और ये फतेह साहब ने जो कहा उनको हंसी आ गई, क्योंकि उनको हंसी आ सकती है क्योंकि ये सब इश्यूज का सीरियसनेस जितना हम लेते हैं इतना बाकी लोगों ने लिया या नहीं मुझे मालूम नहीं, और इसे उनको हंसी आ सकती है। कैसे रहेगी ये सरकार? जब 3 पार्टी की सरकार बनी थी तब आपको यही लोग कह रहे थे कि 3 पार्टी की सरकार चल नहीं सकती, अब वो खुद 3 पार्टी की सरकार में है। क्या आपको इस सरकार का कोई फ्यूचर लगता है? आपको लगता है कि ये सरकार चल पाएगी? बीजेपी एक ताकतवर पार्टी इस सरकार में शामिल है, क्या ये सरकार इस तरीके से चल पाएगी? ये सरकार बीजेपी चलेगी, चलेंगी, दूसरे कोई चलेंगे नहीं। अधिकार नंबर और दिल्ली की गाइडलाइन तीनों बीजेपी के साथ है, बाकी लोग रहेंगे सरकार में मिनिस्टर बनकर खुशी में, बाकी दूसरा कुछ नहीं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, कोई भी सरकार हो महाराष्ट्र में मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये तीनों का सरकार बन गया तो बोलो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, तो महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के बारे में सोचो, मैं बाकी दूसरी बात मुझे आती भी नहीं। आखिर में सर, आगे आप पार्टी किस तरीके से बिल्ड करेंगे, किस तरीके से आप आगे जाएंगे? क्या इलेक्शन कमीशन से आपको कोई उम्मीद है? जिस तरीके से आपने शिवसेना के मामले में देखा कि पार्टी का नाम और सिंबल लिया गया, आगे आप किस तरीके से जाएंगे? नहीं, इलेक्शन कमीशन अगर इसमें कहा तक उनकी मदद होगी मुझे मालूम नहीं, और मैं ठीक है कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है तो वो करेंगे। और मेरे पर्सनली नई जो पीढ़ी हजारों की संख्या में जगह जगह पर तैयार होती है, इन लोगों को साथ लेकर पार्टी मजबूत करना ये मेरा फर्ज रहेगा, और मैं यही काम करूंगा, दूसरा कुछ काम नहीं करूंगा। आपके लिए बहुत बड़ा झटका ये, आपके बहुत नजदीकी। उस दिन प्रफुल्ल पटेल कह रहे थे कि वो आपका साया थे, अजीत पवार आपके आपके साथ में राजनीति में, उन्होंने आपके सचमुच में अगर किसी ने उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा है तो वो अजीत पवार ने रखा हुआ है। क्या आपके लिए बहुत बड़ा झटका था पर्सनल लेवल पे कि आपके सबसे नजदीकी? पर्सनल लेवल बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति मैंने 1-2-3 बार देखी है, सहन की है, रास्ता निकलना है। ये बात सच है कि नजदीक के लोग जिनके चुनाव के लिए हम सब लोगों ने मेहनत की, महाराष्ट्र की जनता ने ताकत दे दी, इन लोगों को नजरअंदाज करके
उस गिरधर शास्त्री को जाने का काम उन्होंने किया, इसका उन्हें दुख है, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूं। इससे आगे जाकर फांसी कैसी खड़ी करना, ये नक्शा मेरे दिमाग में हो रहा है और मैं काम करना शुरू करूंगा। इन किसी के खिलाफ बोलूंगा नहीं, सिर्फ नई लीडरशिप कैसी तैयार होगी ये देखूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। आज इस एज में आप जिस तरीके से बाहर निकलकर प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको नई पार्टी बनाने का मौका भी उसमें मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने हमसे बात की। आप कहते हैं अच्छी बात है। एक बात आपके सर एक सेंटेंस के बारे में मैं नाराज हुआ आपसे। जी सर, क्या आप बोलते हैं कि इस एज में, इस एज ने क्या ठीक है, एज है कोई 80 वर्ष है, मोरारजी भाई देसाई कितने से कौन से उम्र में देश के प्रधानमंत्री बनने याद है। हाँ, मैं तो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, मैं कोई मिनिस्ट्री की फोर्स बनना नहीं चाहता, मुझे खाली संगठन में काम करना है, तो कहाँ ये जाए। वाजपेयी कहते थे टायर ना टायर हूँ ना रिटायर, न टायर हूँ ना रिटायर। आप वही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल टायर नहीं रिटायर नहीं, मेहनत करिए, नई लीडरशिप महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए तैयार करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू।